सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक इन्फो। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेसबुक से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या होता है दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूजर हैं, आप जैसे ही अपने फेसबुक को ओपन करने के लिए जाते हैं या फिर नेक्स्ट किसी पेज को क्लिक करते हैं, तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो गाइज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम आपके सामने क्यों आती है। जैसा कि यहाँ इंटरफेस पर आप देख सकते हैं, यूअर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर 1 आवर्स, कि आपका जो अकाउंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 1 घंटे के लिए। और यहां पर आपको नीचे दिया गया है योर अकाउंट एक्टिविटी डिड नॉट फॉलो अवर कंपनी स्टैंडर्ड्स, कि आपने फेसबुक के कंपनी गाइडलाइंस को उल्लंघन किया है, कुछ ऐसी पोस्ट की है या फिर कुछ ऐसे लिंक्स को पेस्ट किया है जो कंपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, तब गाइज आपको इस तरह का ये एरर देखने को मिल गया है। तो गाइज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको किस तरह से करना है, यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हमें यहां से बिल्कुल ही बैक आ जाना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका फेसबुक ओपन हो रहा है तब गाइज आपको एक बार अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइंस देखने को मिल जाती है, आपको इन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है, तो आपको यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने आने वाला है जहां पर आप आसानी से रिपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंक्लूड इन रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यहां पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। यहां पर आपको कुछ इस तरह से लिख लेना है, हेलो फेसबुक, आई एम गेटिंग योर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर 1 आवर्स, रिटर्न ऑन माई अकाउंट वाइल आई हैव नॉट वायलेटेड कंपनी गाइडलाइंस इन एनी वे एंड आई हैव अपडेटेड माई फेसबुक ऐप एज वेल, बट माई प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, प्लीज हरी अप सॉल्व इट एज सोन एज पॉसिबल, थैंक्स। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल आइकन पर क्लिक करना है और अपलोड फ्रॉम फोन से आपका जो स्क्रीनशॉट है उसको ऐड कर देना है। फिर आपको सेंड बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम वो फेसबुक के पास पहुंच जाती है और बहुत ही जल्दी आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों का फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम का और रिपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। उनको यहाँ से बैक आना है, अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा फेसबुक। फेसबुक आप जैसे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। फिर आपको डेवलपर कॉन्टैक्ट पर टैप करना है, ईमेल पर क्लिक करना है, जिसके बाद जीमेल पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह से जीमेल वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है उसको टाइप कर देना है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपको सेंड बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है ये फेसबुक टीम के पास पहुँच जाती है और इसका सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।